बड़े और आपको बताएं कि सिंधी सकाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। कराची, सखर, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद तकरीबात में लोगों ने सिंधी टोपी, अजरक पहनकर शिरकत की। सिंधी कल्चर से मोहब्बत करने वालों ने इलाकाई गीतों पर रक्स भी पेश किया। हर साल दिसंबर के पहले इतवार को मनाया जाने वाला सिंध यौम-ए-सकाफत को सिंध के बासी ईद के त्यौहार की तरह मनाते हैं। इस सिलसिले में आज भी हर कोई सिंध के रवायती रंगों में रंगा हुआ है। शहरी सिंधी टोपी और अजरक जेब तन किए सिंध की सकाफत को उजागर करते हुए इस दिन को भरपूर अंदाज से मना रहे हैं। कराची, सखर, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मुख्तलिफ तकरीबात में सिंधी सकाफती टेबलो पेश करके यहाँ इलाकाई गीतों पर वालहाना झूम कर अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। सिंध के वासियों का इस मौके पर कहना है कि यौम-ए-सकाफत मनाने का मकसद सिंध की सकाफत को दुनिया भर में उजागर करके इस बात का इजहार करना है कि सिंध मोहब्बत और अमन की सरजमीन है। हर कोई अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के और तैयार होके अपने कल्चर को शो कर रहा है। तो कल्चरल डे मनाने से हमें ये सबक मिलता है कि हम सिंध की सकाफत को ना भूलें और सिंध का जो ट्रेडिशन है, जो सारा कल्चर है, उसको हम फॉलो करें। हमें मिलजुल के और प्यार से रहना चाहिए।